हाय, दिस इज गिताज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 के फाइनल पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर का सेट है 6531। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? मिनिमम। ये अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और ये कॉन्स्टेंट्स है। तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं इनका ग्राफ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स गिवन है, पहला वाला है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। तो इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करके हम इसके पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। चलो भाई, निकालते हैं सॉल्यूशन। तो ये x लो, ये y लो। तो x की वैल्यू जब हम जीरो लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 200। और जब y की वैल्यू हम जीरो लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 200। अब दूसरी इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसके हमको सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके लाइन में बता दूंगा सीधी कैसे बनाते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू 4x की हम लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए इसके दो सॉल्यूशन चाहिएंगे। तो दो सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाते हैं हम इसकी। चाहें तो हम तीन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर प्रॉब्लम उससे बचना है तो, कोई गलती से बचना है तो तीन सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो x की वैल्यू जैसे मैं यहाँ जीरो लेता हूँ तो y 4 × 0, y की वैल्यू भी आ गई जीरो। तो ऐसे का लगा रही मत करना कि y की वैल्यू जीरो लेंगे फिर x ही जीरो आएगी। पॉइंट तो एक ही हुआ ना, तो कोई पॉइंट कोई और ले लेते हैं। जैसे मैंने x की ले ली वैल्यू 100। x की वैल्यू कितनी ले ली? 100। ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो जाएगी क्या? चलो देखते हैं, 100 ले ली तो y की कितनी आएगी? 400। y की कितनी आई भाई? 400। और ये दो चीज़ें और हैं एक्स्ट्रा में हमारे पास। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है y की वैल्यू 0 से बड़ी है। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमको गिवन नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो एक्सिस होने चाहिए। ये मैंने लिया y एक्सिस और ये मैंने लिया x एक्सिस। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। इन पे जो वैल्यू ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 100 100 ले लें, नहीं 50 50 ले लेते हैं। तो यहाँ 50, यहाँ 100, 150 और यहाँ 200। 50, 100, 150 और 200 का हम यहाँ से, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0, 200, ये यही वाला है। और दूसरा पॉइंट है 200, 0, तो ये हो जाएगा 50, 100, 150, 200। तो ये हो गया 200, 0, ये हो गया हमारा 0, 200। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये फर्स्ट वाली लाइन है जो हमारी वो आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन है हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है भाई। अच्छा, सेकंड वाली है 0, 0, यानी कि ओरिजिन से पास होगी। तो दूसरा पॉइंट है एक्स का 100, वाई का 400। एक्स का 100, वाई का 400 लगभग सा यहाँ पे होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। ये पॉइंट समझ जाना ये, है ना। अच्छा, पॉइंट लिखूं क्या? तो ये वाला पॉइंट है हमारा 0, 200। ये वाला पॉइंट है हमारा 200, 0। और ये वाला पॉइंट है हमारा 100, 400। अच्छा, अब आगे देखो, एक लाइन बच गई हमारी, कौन सी? y, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 20 की लाइन कैसे बनेगी भाई? x की वैल्यू 20 कहाँ होगी? यहाँ से होगी लगभग सी। तो यहाँ से हम एक लाइन चली जाएगी बिल्कुल सीधी, चली गई, ये हो गई हमारी x इक्वल टू 20 की लाइन। किसकी लाइन हो गई? x इक्वल टू 20। इसने बोला था x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी कि इसका सॉल्यूशन रीजन इधर आएगा। सीधा सीधा बना लेते हैं,
ठीक है। चलो बाकी सबके सॉल्यूशन रीजन निकालते हैं। तो जो पहली वाली गिवन है मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, तो इसमें हम ओरिजिन रखेंगे, तो ओरिजिन रखेंगे तो 0 + 0 < 200, तो ये आया 0 < 200। ये बात सही है या गलत है पहले तो ये बताओ। ये बात ट्रू है, ट्रू है तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वलिटी x + y < = 200 विल कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन की साइड होगा, ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो इसका सॉल्यूशन रीजन हम बना देते हैं ओरिजिन की तरफ, कौन सी वाली है, फर्स्ट वाली, तो इसका हो गया ओरिजिन की तरफ ये वाला सॉल्यूशन रीजन। अच्छा फिर हम बात करते हैं ये y < 4x इसकी, तो इसकी बात करेंगे तो इसमें हम जो ओरिजिन नहीं रख सकते क्योंकि ये लाइन खुद ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें कोई और पॉइंट रख देते हैं x एक्सिस का प्लस x एक्सिस का, जैसे इसमें रख दिया हमने 10, 0 तो रखेंगे तो यहाँ आएगा y की जगह 0 > 10 = और 10 × 4 = 40, तो ये कैसा आ रहा है हमारा, फॉल्स आ रहा है। तो ये लिख के फिर क्या लिखेंगे हम, द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वलिटी y > 4x विल नॉट कंटेन पॉइंट 10, 0, 10, 0 पॉइंट को नहीं कंटेन करेंगे, क्योंकि 10, 0 रखा हमने फॉल्स आया, तो इसका मतलब 10, 0 पॉइंट उस पॉइंट इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, यानी 10, 0 हमारा पॉइंट किधर होगा, इधर, तो इसका सॉल्यूशन रीजन इधर नहीं है, इस वाली साइड नहीं है, है ना, ये वाली लाइन की हम बात कर रहे थे, हमने पॉजिटिव एक्स का लिया था तो मतलब इस साइड नहीं है, तो मतलब किस साइड है, दूसरी वाली साइड। तो ऐसा कौन सा रीजन जो तीनों में आ रहा है, वो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन। अच्छा अब इस वाले रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद जेड की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल। तो हम निकालेंगे इसके कॉर्नर पॉइंट और जेड की वैल्यू, और वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है और कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं इक्वेशन टू, चलो इन इक्वेशन को नेम दे देते हैं पहले, हाँ ये हो गई हमारी फर्स्ट, मान लेते हैं इसको, है ना, ये मैं सॉल्यूशन करने के लिए बता रहा हूँ, ये टू हो गई और ये हो जाएगी हमारी 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये देखो किस किस लाइन का है, ये कौन सी है y > यानी 3, और ये कौन सी है 2, 2 और 3 के मेल से बन जाएगा, ये 2 रहा ये 3 रहा, तो x = 20, तो यहाँ रखेंगे 24 + 80, तो ये आएगा 20, 80, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना आया 20, 80, और ग्राफ में भी वैसे पता चल जाएगा, ग्राफ हम अच्छे से बनाएंगे ग्राफ पेपर पे। तो एक तो कॉर्नर पॉइंट ये आया हमारा, ये वाला कॉर्नर पॉइंट किस किस से बनेगा, ये इक्वेशन 1 है जो कि x + y < 200 वाली है, और ये इक्वेशन है हमारी 3, इसका थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है हमारी 1x + y = 200, और यहाँ से हम y की वैल्यू 4x रख देते हैं 3 से, क्योंकि ये उन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो y की वैल्यू रखी 4x, तो ये बन गया 5x = 200, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 4 = 20, 40, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा आया x की वैल्यू 40, तो y की कितनी आएगी 40 × 4 = 160, दो पॉइंट आए। तीसरा पॉइंट ये है, तो ये तीसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, तीसरा पॉइंट है हमारा ये वाला, इस तीसरा पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, x = 20 वाला और x + y = 200, मतलब इन दोनों का, तो यहाँ से x की वैल्यू 20 इसमें रख देंगे, तो y की कितनी आएगी, चलो पहले x की 20 सीधी सीधी पता चल गई, y की कितनी आएगी 20 माइनस में जाएगा तो 180, तो ये 3 हमारे कॉर्नर पॉइंट आ चुके हैं, कौन कौन से, चलो लिखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट आए हमारे, एक तो ये आया 20, 80, दूसरा आया 40, 160, और तीसरा पॉइंट हमारे पास आया 20, 180। तो जेड क्या था हमारा, जेड था हमारा 500x + 400y, जेड हमारा क्या था 500x + 400y, बस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। 500 × x की वैल्यू 20, तो 500 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 = 10, 10,000 आ गया, 10,000
प्लस ये 48 जो 32, तो ये आ गया हमारा 32,000। यहाँ 5 2 10 और 30, सही है। 8 4 32 और 30, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 42,000 ऐड करने पर। फिर ये 40 × 500 करेंगे तो 5 4 20 20,000 आ गया। फिर ये 400 × y की वैल्यू 160 रखेंगे, 16 4 64 और 1 2 30। तो ये हो गया हमारा 84,000, ठीक है। अच्छा, फिर x की वैल्यू हम 20 रखेंगे तो 2 5 10 वही अपना 10,000 आ जाएगा। प्लस में यहाँ हो जाएगा हमारा 180 है ना, एटीन फोर जै 72,000, 72,000 और 10,000 कितना हो गया 82,000। तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आई, 42,000 आई। किस पॉइंट पर आई, 20,80 पॉइंट पर, ठीक है भाई। चलो एक बार दोबारा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के हमने सॉल्यूशन पॉइंट निकाले, उन पॉइंट को प्लॉट करके हमने दोनों लाइन बना दी। तीसरी लाइन थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 पे लाइन खींची हमने, वो बन गई। तीनों को सॉल्यूशन रीजन देख लेंगे, इसमें तो 0 0 पुट करके पता चलेगा ट्रू, तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ ये आ गया। और इसमें और कोई पॉइंट रख के देख लेंगे तो x एक्सिस का लेंगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो मतलब इसका इधर नहीं होगा, उधर होगा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तो ग्रेटर देन तो मतलब इधर आएगा, तो ये आएगा कॉमन। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एलिमिनेशन से निकाल लेंगे। तो तीनों एलिमिनेशन से निकालने के बाद हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ मिनिमम वैल्यू हमारी 42,000 आ रही है। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।